नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे ग्रहों की चाल आपके साथ हो जाए। तो चलते हैं गुरु जी के पास और जानते हैं आज का उपाय। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से गणेश जी का आह्वान और जिस समय बात करते हैं तो शाब्दिक रूप से आपकी कुंडली या शाब्दिक रूप से आपका नाम इत्यादि हर किसी को याद रहता है, पहला अक्षर, तो उसका क्या होता है प्रभाव। आज हम बात करेंगे कि फीमेल्स लड़कियों की किस्मत कैसे तेज होती है, नाम का पहला अक्षर जन्म राशि से निर्धारित होता है। चार ऐसे अक्षरों के बारे में बताएंगे जो आप किस्मत को बदलने वाले, इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम की लड़कियाँ किस्मत की काफ़ी तेज होती हैं। इसमें जैसे पहला है डी, इनका किस्मत काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यानी डी से भी जो भी नाम होता है ऐसी लड़कियां हर काम में सफलता पाती हैं। और इसके साथ एक बार जिस काम को करने की ठान लेती हैं उसमें जीत हासिल करके रहती हैं, इसे लाइफ में सारी सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। जिनका नाम एल से शुरू होता है वो बेहद ही साफ दिल, ईमानदार और अपने रिश्तों को बखूबी निभाने वाली होती हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, ये लाइफ में तरक्की खूब करती हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति चूँकि तरक्की है तो अमूमन यानी इन जनरल अच्छी होती है, अपने साथ साथ अपने पति के लिए भी भाग्यशाली मानी गई है। जिनका नाम पी से शुरू होता है, पी से, वो अपने पति से बेहद प्यार करती हैं, वे उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति से शादी करती उसकी किस्मत ये चमका देती हैं। जीवन में धन दौलत इत्यादि ज़रूरत की सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। एक बार ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जिन व्यक्ति से विवाह करती हैं उसकी किस्मत ज़रूर चमकाती है। नाम का पहला अक्षर जन्म राशि को निर्धारित करता है। कुछ अक्षर ऐसे बताए गए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इन चार अक्षरों की ही कन्याएं का भविष्य अच्छा होता है, सभी का भविष्य अच्छा होता है। कुछ विशेष आज जिनमें नामों में उपलब्धियां हैं वो हमने बताई, आगे हम और भी चर्चा करते रहेंगे। गुरु जी से जानिए आज के 12 राशियों का राशिफल क्या है और क्या है खास उपाय। मेष राशि वालों, कार्य व्यवसाय में, व्यापार में उद्यमिता पे जोर बनाए रखेंगे। व्यापार व्यवसाय ये आपके बेहतर रहेंगे, महत्वपूर्ण कार्यों में गति लाएंगे, लक्ष्य प्राप्त आप करेंगे, वरिष्ठों से भेंट पर जोर देंगे, तर्क और तथ्य स्पष्ट आपको रखना पड़ेगा। भगवान विष्णु के मंदिर में दान करना आपके लिए आज बहुत ही अमोघ रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग संतरे का कलर। तो ये आपने जाना, बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों सुने पर भरोसा ना करें, प्रलोभन बिल्कुल ना आए। पेशेवर मामलों में आप बेहतर रहते हुए प्रोफेशनल मैटर में देखे जा रहे हैं, सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में आपकी रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों खर्च बढ़ा हुआ आपका रह सकता है। बात करेंगे क्या कर लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग आज आपके लिए है हरा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों बुद्धि चातुर से आप सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं, योग्यता और मेहनत से आप जगह बनाते हुए देखे जा रहे हैं। मिथुन राशि वालों प्रतियोगिता परीक्षा में आपको अनुकूल परिणाम भी आज आपके सामने आ सकते हैं, व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी आपकी, आर्थिक मामले आर्थिक पक्ष आपके पक्ष में रहेंगे, बहते हुए जल में आप तांबा प्रवाहित करें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। शुभ अंक 8, शुभ रंग रेड यानी लाल। छोटे छोटे उपाय अजमाए हुए कर्क राशि वालों निजी विषयों में आप सफल रहेंगे, पर्सनल मैटर्स संवेदनशील मामलों में थोड़ा सा आप धैर्य रखें, सजगता से आगे बढ़ें, अपनों की सलाह को आदर दें, वो आपको सही सलाह दे रहे हैं। भूमि भवन के आपके जितने भी विषय हैं सब हल होंगे, भावुक का नियंत्रण रखें, दूध से शिव जी का अभिषेक करें, शिवार्चनम शिव की अर्चना करें, स्लेटी रंग यानी ग्रे आपकी अच्छा है, 7 का अंक भी आज आपकी अच्छा है। सिंह राशि वालों भाईचारा बढ़ाएंगे, अपनों की खुशी का आप रखेंगे ख्याल, सभी क्षेत्रों में आप प्रभावशाली रहते हुए देखे जा रहे हैं, वाणी व्यवहार में
सहजता आप स्वयं रखें, सामाजिक संबंध आपके मजबूत हो सकते हैं, शुभ सूचना आपको मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। बात करेंगे क्या करें, सूर्यदेव की उपासना करें, आदिदेव नमस्तुभ्यम आदिदेव का ध्यान करें, केसरी रंग आपके लिए अच्छा है, शुभ अंक आज आपके लिए है छह का। ये सारी शुभताओं के साथ कन्या राशि की बात करें, घर में आपके शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आर्थिक मामलों को आप स्वयं गति देंगे और जिससे लाभान्वित होंगे, आकर्षक प्रस्ताव आपको प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं, रचनात्मक कार्यों से आप जुड़े हुए देखे जा रहे हैं, धन धान्य में वृद्धि होगी, कन्या राशि की बहुत अच्छा प्रभावशाली समय, काय को गुड़ और रोटी खिलाना ना भूलें, नीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है चार का। बात करेंगे तुला राशि की, योग्यता और कला कौशल से आपकी सभी प्रभावित होते हुए देखे जा रहे हैं, वाणिज्य व्यापार से जुड़ेंगे, लाभ पर आप फोकस रखते हुए देखे जा रहे हैं, दोस्त पढ़ाई में आपकी सहायता करते हुए देखे जा रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलेंगे, कुछ अच्छा निर्णय लेने वाले हैं आप, गरीबों को भोजन कराएं आपको जरूर लाभ होगा, चांदी की कोई चीज़ भी दान करें तो अच्छा रहेगा, पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है नौ। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, योजना अनुसार निवेश और विस्तार की आप सोच रख सकते हैं, काम काज में आपकी रहेगी बहुत ही अच्छी सहजता, प्रोफेशनल पेशेवर मामलों में आप जल्दबाजी ना करें, सोचें समझें उस बात को, प्रतिस्पर्धा से निकलने का सफलता प्राप्त करने का यही मंत्र है, बजट के अनुरूप आप आगे बढ़ेंगे, सफ़ेद वस्त्रों का आप दान करें, शुभ अंक पाँच, शुभ रंग आज आपके लिए है गुलाबी। तो ये आपने देखा राशि के हिसाब से उपाय करने से अच्छा है गुलाबी रंग और पांच का अंक ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं धनु राशि पे, कार्य व्यवसाय बढ़ाने वाला आपका दिन है, कामकाजी मामले लंबित बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, प्रयासों में आपके लिए खूब तेजी आएगी, लाभ और विस्तार में आप रखेंगे रुचि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, बजरंग बली की आराधना करना आपके लिए आनंददायक सुखदायक कल्याणप्रद है, भूरा रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है तीन का। तो बजरंग बली की आराधना करें। मकर राशि पर चलते हैं, मकर राशि वालों कामकाज पर आप फोकस बढ़ाएंगे, आपका माइंड फोकस नहीं था कुछ दिनों से, लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे, सकारात्मक आप जरूर बनेंगे, प्रबंधन आपका बेहतर रहेगा, सफलता मिलेगी आपको प्रशासनिक, अनुशासन आप रखेंगे, व्यवस्था का आप करेंगे सम्मान, फोकस बढ़ाएंगे, गरीबों को भोजन कराना आज आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी है, शुभ अंक दो, शुभ रंग आज आपके लिए है ग्रे का। तो यह आज आपने जाना। कुंभ राशि पे चलते हैं, कुंभ राशि वालों भाग्यकारी समय आपका बना हुआ है, निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे और अपने को आगे भी बढ़ाते रहें, साहस और संपर्क ये आपका बेहतर होगा, यानी साहसी बनेंगे, थोड़े संपर्क भी चाहूँ और सफलता आप पा सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में आप तेजी जरूर दिखाएंगे, धार्मिक मनोरंजन यात्राएं भी हो सकती हैं, भगवान शिव को बेलपत्र आपको अर्पित करना अच्छा, शुभ अंक सात, शुभ रंग आज आपके लिए है मेहरून कलर। तो कुंभ राशि वालों आपका समय साहसी बनने का है, मीन राशि वालों स्वास्थ्य के मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, परिवार और परिजनों की सीख और सलाह को आप महत्व दें, व्यवसाय में भरोसा रखें, संकेतों के प्रति सजग रहें, संकेत पकड़ना शुरू करें, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, व्यवसाय की स्थिति करीब करीब आपकी ठीक रहेगी। तो आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश वंदना करें, गणेश जी की कृपा प्राप्त करें, गरीबों को भोजन कराना ये बहुत ही बड़ा उपाय है, आसमानी रंग शुभ है, शुभ अंक छह का है। तो दर्शकों आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर। गुरु जी अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है और कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 27 अप्रैल 2022 द्वादशी तिथि का माल लगा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, बुधवार का दिन वैशाख मास कृष्ण पक्ष, शुभ समय 3:01 से 4:52 तक, राहु काल 12:24 से 2 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे आपके ग्रहों की चाल आपके साथ हो जाए, और गुरु जी को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 800-40-365-24, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है,
आप इस पे उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।